आप सभी दर्शकों को टाइम न्यूज परिवार की ओर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के हाइड्रोकार्बन के मिक्स से नकली पेट्रोल और डीजल बनाने वाले कारखाना संचालक राकेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। वहीं पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। किशनगंज थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुशवाहा निवासी छोटी खुड़ैल और चंद्र प्रकाश पांडे निवासी खुटहन जौनपुर से पूछताछ कर रही है। शिवम इंडस्ट्रीज पीथमपुर का संचालक राकेश अग्रवाल और एमपी वावे ऑटो पेट्रोल पंप का संचालक विजय मुंदड़ा फरार है। शुक्रवार को एसपी ने अग्रवाल पर इनाम घोषित किया। उसके कारखाने में ही मिक्स हेक्सिन C9 पैंटन और रबर प्रोसेस से नकली पेट्रोल व डीजल तैयार कर विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सप्लाई किया जाता था। परसों कल भी मेरी द्वारा आप सबकी जानकारी मिलाया गया था। चूंकि बहुत बड़े स्तर से डीजल पेट्रोल में नकली ऑयल, फर्नेस ऑयल, लो फ्लैश ऑयल को डीजल पेट्रोल जैसा बनाकर पेट्रोल पंप के माध्यम से बेचा जा रहा था, जिससे ना केवल वाहनों के इंजन आदि में, पिस्टन आदि में खराबी की शिकायतें विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही हैं, साथ ही शासन को भी प्रतिमाह करोड़ों रुपए के राजस्व का वेट टैक्स का नुकसान हो रहा था। इसके मुख्य आरोपी राकेश अग्रवाल, जो कि अभी अपनी सकूनत से फरार है, उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है। एडिशनल एसपी मऊ के नेतृत्व में टीम काम कर रही है। उम्मीद है हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद इस बड़े ही माफिया ग्रोह का या जो कृत्य है उसके बारे में और कई कड़ियाँ सामने आएंगी। टाइम न्यूज़ देखिए